गोडा के मेहगामा थाना क्षेत्र के बेलटिकरी गांव में 24 जनवरी को एक सिरकटी लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान डोगम मंडल के रूप में हुई थी। शव मिलने के 3 दिन बाद पुलिस ने कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि मृतक डोमन मंडल का सीताराम मंडल की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसकी वजह से सीताराम और पटवारी मुर्मू ने मिलकर डोमन मंडल की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मागावा थाना अंतर्गत दिनांक 24 को एक सिरकटी लाश मिली थी। एक जगन हत्या हुआ था, काफी मामला सनसनीखेज था। एक टीम बनाई गई जिसमें एसडीपीओ मागावा, इंस्पेक्टर मागावा, थाना प्रभारी मागावा एवं अन्य लोग थे। उसके बाद डॉग स्क्वाड को लगाया गया, प्रोफेसर की टीम को भी लगाई गई थी और पूरे क्षेत्र में उसके सब के बरामदगी के लिए लगातार छापामारी की जा रही थी। अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही थी, लेकिन कोई उद्भेदन नहीं हो पा रहा था। उसके जो पुत्र है मृतक डोमन मंडल, जो बेल्टिकरी गांव के रहने वाले हैं, उनका पुत्र अमित मंडल के द्वारा उस सब का शिनाख्त किया गया। एक व्यक्ति फिरार पाएगा, सीताराम मंडल, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके बाद उसके कन्फ्यूशन पे उसका जो शव है करीब पीओ से 300 मीटर दूर एक गड्ढे से उसको बरामद किया गया। इसके बाद एक और व्यक्ति जो पटवारी मुर्मू है, उस क्षेत्र का ही है, उसकी गिरफ्तारी की गई। ये पूरे मामले का उद्भेदन हम लोग 48 आवर्स में कर लिए थे, लेकिन चूंकि दूसरी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा विलंब हुआ। इसमें जो डबिया यूज़ किया गया उसमें खून लगा हुआ डबिया है, उसका मिट्टी जो जहाँ पे खून गिरा था उसको हम लोग सीज किए हैं। इसके अलावा और भी जो भी चीज़ें हैं सबको हम लोग बरामद कर लिए, जिसे हम लोग एफएसएल उसकी उसको भेज रहे हैं। कारण है कि जो डोमन मंडल है वो सीताराम मंडल की पत्नी से उसका अवैध संबंध था और उसको ये रंगे हाथ उसने देख लिया था। उसके बाद ये दोनों मिलकर उसको गमछे से उसको पहले मारा। उसको आप देखिए कि पीओ में बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं था, क्योंकि पहले से गमछे से उसको मार दिया। उसके बाद चाकू जो डबिया है इससे उसको गला कुरेदा गया। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है कि ये अवैध संबंध का ही मामला था या किसी और वजह से हत्या की गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से बीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।